सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल्ला। एक नज़र मारते हैं हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। मौसम के बदले मिजाज दरमियान मुड़ शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। पंज तरनी ते शेषनाग आधार कैंपां तों जथे अमरनाथ लई हुए रवाना। खराब मौसम कारण पिछले तीन दिनों तों मुलतवी सी यात्रा। पंजाब विच भारी मीह ने कई थाई आम जन जीवन किया प्रभावित। मोहाली डेराबसी विच बने हड़ वर्गे हालात। पंजाब के छह जिलों में रेड अलर्ट जारी। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। श्री आनंदपुर साहब नाल लगते इलाकों में दरिया सतलुज में पानी का पद्धर वध्या। आस पास के पिंड के लोगों में खौफ का माहौल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। जम्मू कश्मीर विच खराब मौसम कारण तीन दिनों तक मुलतवी रहने तो बाद पंज तरनी ते शेषनाग आधार कैंपां तो अमरनाथ यात्रा अज मुड़ शुरू हो गई। अधिकारियों ने जानकारी दी है। उन्होंने दस्सिया कि जिवें ही गुफा मंदिर के नेड़े तेड़े असमान साफ होया, अधिकारियों ने द्वार खोल दिए ते फसे हुए भगतों नूं दक्षण कश्मीर हिमालय विच कुदरती रूप नाल बने बर्फ के शिवलिंग उत्ते पूजा करन दी मंजूरी दी है। पंज तरनी आधार कैंप के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि जो श्रद्धालु पहले ही दर्शन कर चुके हैं उन्होंने बालटाल आधार कैंप में जाने की मंजूरी दी गई है। इस विच घाटी विच मूले धर्मी कारण फसे 700 तो वध अमरनाथ यात्रियों फौज ने अनंतनाग जिले के काजीगुंड विच अपने कैंप तो आसरा दिता है। पंजाब विच मानसून ने अपना जोर विखाउणा शुरू कर दिता। अज पंजाब दे छे इलाकों विच रैड अलर्ट जारी किया। जिन्हां इलाकों विच रैड अलर्ट जारी किया गया इत्थे तेज मीह की संभावना ते 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल हवावां चल सकदियां ने। राजपुरा डेरा बस्सी फतेहगढ़ साहब मोहाली बस्सी पठाणा खरड़ विच यह अलर्ट जारी किया गया। शुक्रवार सवेर तो पै रहे भारी मीह कारण नहरां विच पानी का पद्धर वध गया। जिला फाजिलका के अधीन पिंड रायपुर के कोल मलूकपुरा नहर विच पाड़ पैण कारण फसलां तबाह हो गईयां ने। इस दरमियान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी वधेरे प्रभावित इलाकों चौकस रहने लिए कहा है। एनडीआरएफ दी टीमों भी अलर्ट उत्ते रखे गए। पंजाब के छह जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इतने 40 किलोमीटर तक की रफ्तार नाल हवावां चल सकदियां ने। लुधियाना चमकौर साहब समराला बलाचौर फिलौर नकोदर फगवाड़ा कपूरथला जलंधर नवांशहर हुशियारपुर बाबा बकाला अमृतसर बटाला भुलाथ दसूहा मुकेरियां गुरदासपुर में यह अलर्ट जारी किया गया। इस तो इलावा बुढ़लाडा पटियाला राजपुरा खन्ना खरड़ खमाणो रूपनगर बलाचौर शाहकोट सुल्तानपुर लोधी खडूर साहब रायकोट जगराओं आनंदपुर साहब गढ़शंकर नंगल और पठानकोट में येलो अलर्ट जारी किया गया। बीते दिनों तो पै रहे मीह कारण जिथे लोगों को गर्मी तो राहत मिली उत्थे कई थावां उत्ते यह मीह मुसीबत बन के भरिया। पंजाब विच पै रहे मीह कारण कई थावां उत्ते हड़ वर्गे हालात बने हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर प्रीति यादव ने IIT रूपनगर और बरसाती बुदकी नदी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने विभागों के मुखियों प्रभावित इलाकों में वध तो वध संपर्क कायम रखने के आदेश दिए हैं ताकि जानी माली नुकसान को रोका जा सके। उत्थे हालात का जायजा लेंदे डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर प्रीति यादव ने जिला वासियों अपील की कि वह मीह दौरान बिना कम तो घरों बाहर ना निकल। जिला प्रशासन वालों रूपनगर जिले के समूह सरकारी प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों और होर विद्यक अदारों में सोमवार को छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। सारी रात बाहर ही बैठ के कट्टी पानी का इदा का हाल है कि अंदर सामने देखो इधर पास अंदर बढ़िया पाया पानी सारे महल के बढ़िया पाया पानी की निकासी नहीं है ना उपरों कोई सिस्टम बनाया वा सारी जिन्हिया भी गलियां है सारिया हड़ के थले आ गई सब बैठ गई भाजी पानी सारे गलिया च पै गया। वो सामने देखो घर घर च पानी पिया करता जी जो जिनी भी नालिया है सारी अंडरग्राउंड होने करके पानी का निकास ही नहीं आया करता तो सारा पानी पट हो के सारा सड़क पर आया करता जी। भाजी बहुत ज्यादा नुकसान है अजे तक तो कहना मुश्किल है भी कि नुकसान है पर नुकसान काफी है। सारे रूपनगर वासियों को मेरी अपील हैगी कि मौसम के हालात जिदा के है जी फोरकास्ट हैगी थोड़े टाइम वास्ते मीह होर पैन की संभावना हैगी सारे
थोड़ा संयम वर्तन से कनाल नदियाँ इदा की जिनी भी रोड्स हैगी उन्हों तो जान से गुरेज करे तो इन्हों के नेड़े भी खड़े हो तो बिकॉज हालात इदा देंगे कि बारिश हैगी लैंड भी थले की मिट्टी हैगी तेज छाया तो वह भी सिंक कर रही है। तो सारिया मेरी अपील हैगी कि किसी को कोई दिक्कत हैगी साढ़े कंट्रोल रूम से कॉल कर सकते हैं, मैंने परसनली कर सकते हैं, किसी तरीके की साड़ी सारी टीम इतने लगिया हुई है जी, बट सारे अपने अपने घर रहन तो किदा भी जितने जो जरूरी काम नहीं है उसी ना। श्री आनंदपुर साहब के पिंड भानुआ भी मीह कारण हड़ वर्गे हालात बने हुए हैं, लगातार हो रही बरसात कारण नीवे इलाकों में पानी जमा होने कारण बरसाती टोएं पानी भर गया, पानी लोगों के घर में वड़न तैयार है। दस दिए कि अज सवेर तो ही जोरदार मीह पै रहा है तो इस भारी मीह कारण गलियों में पानी भर गया, लोगों आने जाने दिक्कतों का सामना करना पै रहा है। पुलिस प्रशासन वालों लोगों मदद मुहैया करवाई जा रही है। हाई गेयर के आप बाहर हैं, सारी पुलिस फोर्स बाहर हैगी सारे जिन्हें भी थाने चौकी इंचार्ज सारे बाहर है और बेस्ट पॉसीबल जो है जी वो कर रहे हैं जी। अभी जेकर किसी को कोई दिक्कत हो परेशानी हो प्रशासन तक संपर्क कर साढ़े हाँ जी हेल्पलाइन भी चलती पी है जी, एसडीएम साहब भी उत्थे बैठे ने कंट्रोल रूम के उत्ते ते सारा कोई भी किसी को प्रॉब्लम है साढ़े सीधा गल कर ले। बीते दिन तो भारी मीह पैण नाल सतलुज के किनारे वसदे पिंडां विच पानी खड़न नाल लोगों नूं भारी मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। लोधीपुर के नाल वगदे सतलुज दरिया दे विच पानी नको नक भर गया, स्थानक लोगों का कहना है कि इस दरिया उत्ते लग्या होया बन्न बेहद कमजोर है तो जेकर बन्न टुटदा तां लागले पिंडां नूं वड्डे नुकसान का सामना करना पै सकदा है। पानी तकरीबन थोड़े सामने आए बराबर अपने बन्न दे बराबर आ चुका है, दो तीन जगह टुटने का खतरा है, जबकि इतने कोई सरकारी बंदे नहीं आ चुके। एक कदों लग्या सी बन्न भी कितना टाइम हो गया बन्न? ये बन्न लगे जी कोई 10-15 साल हो गए जी। सानू यही पता लग्या कि पहला 2 साल भी पहला रिपेयर की गई इस बन्न की, इस बन्न की जी 2 साल पहला रिपेयर की गई उत्थे तक की गई, जो अगर उत्थे तक रिपेयर कोई नहीं की गई, जद के जगह थी पंचायत अपना सरकार दे नो एक बंदे ने इत्थे दे रोकिया वा आके। अच्छा ये दसो भी जे बन टुट जांदा जिस तरीके दे नाल पानी लगातार वध रहा है तो किन्ना क मार जिहड़ी किहड़े किहड़े पिंडां नूं पऊ किन्नी क मार पऊगी? जे बन टुट जांदा है तो लोधीपुर लाके कीर्तपुर तक ही बन की मार पैंदी है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान दे आदेशां अनुसार आम आदमी पार्टी पटियाला तों विधायक अजीतपाल सिंह कोहली शहर के मीह प्रभावित इलाकों का दौरा करन पहुंचे। उन्होंने स्थानक मानशाइया कलोनी नेड़े 21 नंबर फाटक आलूवालिया पार्क नेड़े अरना बरना चौंक न्यू महिंद्रा कलोनी छोटी नदी के होरना इलाकों का दौरा किया। इस मौके संबंधित विभागों के अधिकारी उन्होंने नाल मौजूद रहे। इस मौके विधायक ने कहा कि पंजाब सरकार वालों मौजूदा हालातों के मद्देनज़र बनते कदम चुके जा रहे हैं, इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। एमएलए साहब तुसी पटियाले का दौरा कर रहे हो, विकास कार्यों लिए करोड़ों रुपए खर्चे गए पर हालात तुसी देखो की है? कंडे बीजेपी उग रहे हैं पर फिर भी हौसला इस गल नाल ठीक है कि पिछले साल दौरान शहर के जड़े ड्रेनज बंद पे सी, बिल्कुल चोकड सी, सिल्ट भी जी एडी हार्ड सिल्ट सी जी कढ़नी बहुत औखी सी, असी बहुत थावां तो कढ़ दिता। तो देखो जिवें जौड़ियां पट्टियां क्लीन हो गया जी, कुछ एरिया चांदनी चौंक की भी ड्रेनेज अच्छी तरह निकल गई, ये एरिया जिथे ज़्यादा वाटर लॉगिंग होंदी सी वो तो असी साफ कराते सी टाइम से मानसून तो पहला, वड्डे ड्रेन ने जी जेकब ड्रेन है जी लाइनिंग जी है प्रॉपर करा दी सी, बट हूँ जे बिल्कुल लो लाइंग एरिया ने जिमें घास मंडी हो गया इधर ला रही हो गया थोड़े जे एरियाज ने मॉडल टाउन के उत्थे पानी की क्लॉगिंग जी हजे भी है। सो उदे वास्ते असी जिहड़ा हैगा कर रहे हैं कि मोटर्स लगा के पानी उत्थों सक करके उस एरिया चो असी जिहड़ा है मेन ड्रेन के पाण का वो प्रबंध कर रहे हैं, वो भी अजकल जब थोड़ा जा मौसम खुल गया तो अभी अज ही शुरू कर रहे हैं। असं बड़े डरे पे की स्थिति की है तुसी की हालात की ने? डरन वाली कोई गल नहीं है, बिल्कुल भी घबराओ ना, सारा प्रशासन देखो कदे पहला देखिया तुसी आ जॉइंट कमिश्नर ने साडे एसी साहब ने तहसीलदार साहब ने साडे एक्सीए ने सारा स्टाफ पब्बां भर होया रात दे ड्यूटी दे रहे ने, बार दे आर ऑन द फील्ड सिंस 4 in the morning 4 बजे दे बाहर ने जी, आ मैं खड़ा थोड़े नाल थोड़े बिच खड़ा और इत्थे ही रहना जब तक ये प्रॉब्लम बिल्कुल एडिकेट नहीं होंगी, असी थोड़े बिच ही हाँ, घबराने की लोड़ नहीं। लोग र्यूमरस यहोजे फैला देंगे ने पुरानी फोटोग्राफ्स पुराने वीडियोज़ वट्सएप पर पा के अज का बना के उन्होंने सर्कुलेट कर देंगे ने, उदे नाल पैनिक सैट कर जाता, वो ना करो, बिल्कुल सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। सिटी के देखो पानी निकल रहा, पानी हर थान तो निकल रहा, आ जो 2-3 एरियाज़ ने जिते ज़्यादा परसिस्टेंट है
ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਇਟ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਟਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਰੀ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਾਨਸਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਸੇਜ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਰਸਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੈਵਲ ਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਰੀ ਸਟੈਪ, ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਉੜਮੁੜ ਟਾਂਡਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਨੇੜਲੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚੇ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀ ਕਿਤਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 126 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 153 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 1982 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਵਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਜੁਲਾਈ 1923 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੱਸੀ ਸੋਹੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ 9 ਜੁਲਾਈ 2023, ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ 1923 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਵਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡਡ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਵਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਵਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਵਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਔਰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਔਰ ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ, ਇਨ ਆਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 9 ਜੁਲਾਈ 1923 ਨੂੰ
यानी कि अज तो ठीक 100 साल पहला उन्होंने हीरा महल नाभा तो अरैस करके गिरफ़्तार करके इतों जोड़ा लै गए और दोबारा कभी महाराजा दमन सिंह नाभा रियासत के नहीं आए और उन्होंने मौत किमें हुई है ये भी एक बहुत बड़ा राज है। इमोशनल डे है, इमोशनल डे है के लिए कि बट वी फील वेरी प्राउड दैट वी आर मैरिड इन सच अ फैमिली कि जहाँ पे इतने महान राजा रहे हैं जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं अपनी गद्दी छोड़ दी। ही वॉज बॉर्न एज अ टिक्का फिर रूल्ड एज अ महाराजा और फिर एक झटके में सिर्फ अपना वो रखने के लिए कि वो झुकना नहीं चाहते थे सिक्की का पालन करना चाहते थे और उन्होंने अपना गद्दी छोड़ दी। बहुत बड़ी बात है, इतना इतना बड़ा सैक्रिफाइस करना बहुत बड़ी बात है। एंड मोर देन दैट हैप्पी दैट ही इज मेन ही इज कम बैक टू हिज रूट्स और ये यहां रहेगा। बहुत खुशी हो रहा है कि उनके ऊपर उस टाइम क्या फीलिंग्स रही होंगी जब उन्हें यहाँ से ले गए होंगे एक महाराजा होकर उनको यहाँ से ब्रिटिशर्स अरेस्ट करके ले गए उनकी क्या जज्बा रहा होगा क्या फीलिंग रही होगी कोई शब्द ही नहीं कहने के लिए। हाँ जी, पर इसके बाद महाराजा साहब के ऊपर टॉक है हीरा महल में जहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस महाराजा साहब के बारे में उनकी लाइफ के बारे में बताएंगे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सिक्खी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द सोसाइटी उनका पेट्रियोटिज्म और उन्होंने अपनी लाइफ कैसे जी क्या क्या सैक्रीफाइसेस किए उसके बारे में बात। माण वाली गल है कि साडे इतिहास के विच इह जिहे एग्जाम्पल साडे कोल हैगियां कि जदों अपने असूलों की पालना वास्ते असीं गद्दियां भी छड्डियां और इहो जिहे इतिहास तों सानूं सिखण की लोड़ है बच्चों नूं समझाउण की दसण की लोड़ है। और मैं खास करके इस थां ते आ के एक चीज़ महसूस करदा कि हीरा महल की जो करंटली सिचुएशन हैगी आ उहदे बारे खास ख्याल करन की लोड़ है कि उहदी दोबारा तो रीस्टोरेशन जिहड़ी आ उह होनी चाहीदी आ। इहदे च पंजाब सरकार का भी योगदान होना चाहिए है और बतौर सिख होण दे नाते सिख संगत वालों भी चाहिए है कि असी अपनी रियासतों को दोबारा तो सामना जोड़ा वह शुरू करिए। और कमाल की गल है कि एक छोटे जे बच्चे की राजकुमार ने जोड़े इतों के होना उन्होंने एक अंदर की कह लो एक खिच एक तांग दिल्ली तो उन्होंने दोबारा अपने घर में वापस लेके आई है और उत्थे दी वो लग्जरीयस लाइफ नू छड़ के नाभे दे विच आ के वड्डे कॉन्वेंट स्कूलों नू छड़ के नाभे दे विच अपनी पढ़ाई भी शुरू की है अपनी वो लग्जरीयस लाइफ नू छड़ के और वो कोशिश दे विच जुटे हुए ने कि किस तरीके नाल असीं अपनी रियासत नू किस तरीके नाल असीं अपने पुराने महलों नू दोबारा तो सुरजीत कर सकते हैं। पनसप पंजाब दे चेयरमैन ते हलका इंचार्ज बलबीर सिंह पन्नू ने 2.5 करोड़ की लागत नाल तैयार होने वाली सड़क का नींह पत्थर रखा। इस मौके ने कहा कि कसवालीवाल वासियां दुकानदारां ते इलाका निवासियां दी लंबे समय तो मंग चल रही थी कि अलीवाल तो 2 किलोमीटर सड़क का टोटा बनाया जाए पर पिछली सरकार के सिर उत्ते जूनी सरके। उन्हें कहा कि विकास कार्यों में मौजूदा सरकार कोई कमी नहीं आने देगी। सब तो पहलों जी मैं सरदार भगवंत सिंह मान सरकार योग साडे सीएम साहब उन्हों का बहुत धन्यवाद करदा नाल साडे मंत्री साहब जो PWD WD के नाल संबंधित साडे भजन सिंह EDO जी नाल साडे जो अधिकारी एक्सीएम साहब SDO साहब JEE साहब और जिनी भी इन्हां दी टीम अलीवाल की काफ़ी समय तो मंग सी सड़क की अलीवाल बाजार के विचों दी बहुत ज़्यादा हालात माड़े सन। सरकार तो पहलों कांग्रेस सरकार के टाइम से अलीवाल की बाजार की सड़क नूं पंचायत दे विच कर दिता गया सी। मैं मंत्री साहब अगे एक्सीएम साहब अगे मंग रखी थी भी इहनूं PWD दे विच कीता जावे क्योंकि अलीवाल काफ़ी घट्ट तो घट्ट 50 पिंडां दे नाल जुड़िया होया कस्बा है ते काफ़ी पिंड अलीवाल दे विच संगत जो डेली आउण जाण संगत दा हर एक तरह की अलीवाल दे विच सुविधा है होस्पिटल की सुविधा है हर एक बाजार दे विच किसी भी तरह की कोई इदा की मार्केट के दुकान नहीं की जो सुविधा नहीं इस करके संगत का काफ़ी आने जाने आवाजाई का करके संगत को बहुत मुश्किल आ रही थी। एक्सीएम साहब ने लिखती के डिमांड दी जो PWD के करवाया अज 2.5 करोड़ की लागत के नाल 2 किलोमीटर की तकरीबन सड़क पहलों 18 फुट चौड़ी थी 18 तो चौड़ाई वधा के 23 फुट कर दिता गया बड़े वधिया सोहने तरीके सड़क को बनाया जाएगा और नाल मैं पिंड वासियों क्योंकि पिंड मेरा अपना है पिंड वासियों एक एक नाल मैं होर बेनती करनी चाहना जे 18 फुट चढ़ाई तो उन्होंने 23 फुट चढ़ाई असी करांगे कई विच थोड़ियां छोटिया छोटिया मुश्किल आउणगियां कितने खंभे होणगे कितने ना कितने कोई ना कोई होवेगा। मैं बेनती करनी चाहना अपने पिंड वासियों भी कोशिश करो तुसीं संबंधित साडे विभाग के अधिकारी जिहड़े इत्थे काम करन आउणगे जो भी ठेकेदार काम करन आउणगे उन्हां दा साथ दिओ।
तरन तारण में पुलिस ने उस वे वही कामयाबी मिली जदों पुलिस ने 8 महीने के बच्चे को खोह के भजे किडनैपर 24 घंटों में काबू किया। बच्चे को सही सलामत उसके मापिया हवाले किया। उन्हें कहा कि दो दोषियों ने 3 लाख रुपए में बच्चे को बेचने का सौदा किया। पत्रकारों को जानकारी देंदे SPD विशालजीत सिंह ने दसा कि पुलिस ने मुस्तैदी वरतद्या कुल 3 मुलजमान काबू किया। दस दिए कि शहर तरन तारण में बाइक सवार ने 9 साल का बच्चा अगवा किया। घटना तरन तारण के पिंड घरों की सी। जदों करणपाल नामी बच्चा अपने दादा दादी नाल जा रहा था, पिछों बाइक सवार आए सन ते उन्होंने दादा दादी के हाथों बच्चा खोहिया अते फरार हो गए सन। 7 तरीक नूं इत्थे कैरों अपने थाणा सिटी पट्टी दे विच हुंदा, जिस दे विच दादा दादी कोलों उसदा 8 महीने का जिहड़ा बच्चा आया करणपाल सिंह, उसनों 2 अणपछाते व्यक्तियों वालों जिहड़ा वा किडनैप किया गया सीगा। इस ते मुकदमा दर्ज करके थाणा सिटी पट्टी दे विच, उस तो बाद जिहड़ा इस ते जिहड़ी आ तरन तारण पुलिस ते वख वख टीमां बनाईआं गईआं। इस तो बाद इहदा इक जिहड़ा सांझा ऑपरेशन जिहड़ा काउंटर इंटैलीजेंस अते तरन तारण पुलिस वल्लों जिहड़ा आरंभिआ गिआ, जिहड़ा उसनों उन्हां दोषियों नूं ट्रैक करदे होए जिहड़ा इन्हां जिहड़ा बच्चा अगवा होया सीगा उसनों 2 दोषियों गिरफ़्तार करके उन्हां दी पोजैशन दे विच्चों जिहड़ा वा इह बच्चा रिकवर किया गया। बच्चा रिकवर करके जिहड़ा वा उन्हां दे जिहड़ा मापे आ जिहड़े माता नूं जिहड़ा तरन तारण पुलिस वल्लों जिहड़ा हवाले कर दिता गया है। इस दे विच जिहड़ा इक होर तीसरा दोषी वी जिहड़ा वा उह इस दे विच जिहड़ा उह साडे वल्लों अरैसट किया गया है। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन फिलहाल नहीं जाते, नज़र मारदे मौसम के हाल से। बने रहो चढ़ती कला टाइम टीवी के साथ। धन्यवाद।